छः मई को वीरेंद्र धाम का लोकार्पण और उसकी मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम और उसके साथ साथ यहाँ स्टेडियम में सभा का आयोजन रखा गया है। कैसी सर तैयारी चल रही है, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और किस तरीके से, और जो वीरेंद्र धाम मनाया गया है वहाँ पर कितने रूम बनाए गए हैं थोड़ा सा सर? वीरेंद्र धाम में कुल 86 कमरे बनाए गए हैं, 3 बड़े हॉल 40x60 के बनाए गए हैं, 1 किचन स्टोर और डाइनिंग हॉल वो भी 40x60 का है। तो इस प्रकार और 2 लिफ्ट हैं, 2 सीढ़ियाँ हैं, सभी सुविधाओं से वो युक्त है, अटैच लेट बात है। सर क्या उसकी बनाने के पीछे आपकी सोच है, गरीब बच्चों के, गांव के बच्चों के, और आपने वो कौन सा टाइम देखा है जब दूर दराज के इलाकों से जब बच्चे आते थे उनके साथ में पढ़ाई को लेकर कितना संघर्ष करना पड़ता था, आप जब जयपुर के अंदर रहते थे आपके साथ में बच्चे रहते थे, क्या कुछ देखकर उसी को सीख लेकर आपने बनाया सर? ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे शहर में पढ़ने के लिए आते हैं उनका खुद का तो यहाँ कोई निवास होता नहीं है, उनको किराए पे मकान लेकर के रहना पड़ता है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को किराए पे भी लोग देना मकान पसंद नहीं करते। मैं भी जब जोधपुर में पढ़ता था उसमें लोग किराए पे मकान देना पसंद नहीं करते थे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ उनका रहना कितना कठिन था ये मैंने खुद ने अपने अध्ययन काल में महसूस किया, और जब मैं विधायक था उस समय भी जयपुर में जो मेरा मकान था वो हमेशा उनके लिए खुला रहता था, उसमें रह करके सैकड़ों बच्चे पढ़े भी और कामयाब भी हुए, तो उस सोच के साथ ये यहाँ भी छात्रावास का निर्माण कराया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि गांव में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद और प्रतिभावान बच्चों को पढ़ने के लिए आगे एक अवसर मिलेगा, उनको ये सुविधा मुहैया कराने की दृष्टि से इसका निर्माण किया गया है। Thank you.